नमस्कार भाइयों बहनों, आज हम सभी मढ़ावार स्कूल में एकत्रित हुए हैं स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष में, जिसमें आज स्कूल के छात्रों ने मिलकर सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम की स्थापना की है। ये कार्यक्रम हम क्रीड़ा भारती, जो कि आरएसएस से हैं, फिरोज़ाबाद में स्थापित कर रहे हैं। इसमें मैं आज के अपने मुख्य अतिथि श्री देव प्रकाश जी को, जो कि वीर सावरकर नगर संचालक पेमेश्वर गेट के निवासी, उनका स्वागत करता हूं। और साथ ही मैं स्वागत करता हूं श्री मयंक गुप्ता जी का, जो कि आरएसएस स्वयं सेवक से जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद मैं अपने मुख्य अतिथि से निवेदन करता हूं कि वह कार्यक्रम की स्थापना करें दीप प्रज्वलन करके। अब मैं निवेदन करता हूँ हमारे रामस्वरूप मढ़ावार शिक्षा संस्थान के प्रिंसिपल जी, आप और अध्यक्ष जी मंच ग्रहण करें, और इसके बाद हम जो है अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ कि वह कार्यक्रम की शुरुआत अपने विद्यालय की प्रार्थना से करें। सभी कृपया प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। Love you.
अब मैं निवेदन करता हूँ अपने प्यारे विद्यार्थियों से, अब अपना स्थान ग्रहण कर रहे हो और सभी मुख्य अतिथियों से अपने सीट पर विराजे। इसके बाद हम अपने मुख्य कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हुए, जिसमें सूर्य नमस्कार जी कराए गए हैं, लेकिन उसको कराने से पहले मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सूर्य नमस्कार में एक संस्कृत में एक वाक्य है, ध्येय सदा सवृत्रि मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजानन शनिवष्टि केयूरवन मकर कुंडलावन किरीट किरीटी हरि हरिडयम वपुर धृत शंख चक्र, जिसका अर्थ है सौर मंडल के मध्य में कमल के आसन पर विराजमान सूर्यदेव, जो बाजूबंद मकर कुंडल मुकुट शंख चक्र धारित हैं तथा स्वर्ण आभा युक्ति शरीर के हैं, का हम सदैव ध्यान करते हैं। अब इसके बाद मैं अपने शिक्षक जी से निवेदन करता हूँ, कृपया वो सूर्य नमस्कार के दंड लगवाने का प्रक्रिया आरंभ करें। उससे हम मंत्र है जिसका ओम मित्राय नमः। अगला मंत्र है ओम रवे नमः। अगला मंत्र है ओम सूर्याय नमः। अगला मंत्र है ओम भावन्वे नमः। अगला मंत्र है ओम खगाय नमः। दस ग्यारह
अगला मंत्र है ओम पुष्पे नमः। ओम पुष्पे नमः। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह। अगला मंत्र है ओम हरिणय गर्भा नमः। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। अगला मंत्र है ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह। अगला मंत्र एक मिनट जो हाथ में एक में हाथ ऊपर आएंगे ग्यारह नहीं दस ही होते हैं केवल। अरे तुम बहुत सही बोलते हो, तुम बता दूंगा मैं बाद में कहता हूँ। एक हाथ तो यहीं पर है, एक में हाथ ऊपर होते हैं केवल दस मंत्र दस अंकों में होता है। अंकों में होता है क्या उसमें नमस्कार? केवल दस अंकों में होता है उसकी मतलब उसमें तुम क्या रखते हो तुम बता दूंगा मैं बाद। जब तुम्हारी सूर्य नमस्कार स्थिति है ना, एक में ऊपर हाथ आएंगे ऊपर स्थिति स्थिति का मतलब है आपका हाथ जोड़ना एक ऊपर। अगला मंत्र ओम सवित्राय नमः। ओम सवित्राय नमः। ओम सवित्राय नमः। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। एक थोड़ा आगे हो जाओ कदम। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। बाद वाला मंत्र बोलिए। आदित्य नमस्कार। इस सूर्य नमस्कार का अंत जो कि सूर्य नमस्कार हो गए इसके बाद मंत्र तेरा सूर्य नमस्कार तो हो गए। आदित्य नमस्कार में को देने देने आदित्य आदित्य से नमस्कार।
बोलो सभी बोलो आदित्य नमस्कारम ये गुरुवंती दिने दिने ए गुरुवंती दिने दिने आयुर्प्रज्ञावलम्बीर आयुर्प्रज्ञावलम्बीर तेजस्ते सजायते जिसका अर्थ है जो प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं वे लंबी आयु बुद्धि बल और वीर के साथ तेज को प्राप्त करते हैं। अब मैं अपने शिक्षक से अनुरोध करता हूँ वह कृपया विद्यार्थियों को आरंभ की स्थिति में लेकर आए। बैठ जाइए सभी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के मुख्य प्रवक्ता जी से श्री देव प्रकाश जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया वह हमारे सूर्य नमस्कार व स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के बारे में थोड़ा प्रकाश प्रकट करें। सम्मानीय अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापक अध्यापिका बंधु और प्रिय बच्चों, आज 12 जनवरी अपने विवेकानंद जी का जन्मदिन है। आज विवेकानंद जी की जयंती मनाई जा रही है, ये आप सभी को मालूम है कि नहीं? अच्छा, विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था, किसी को मालूम है? हाँ, नरेंद्र, उनके बचपन का नाम नरेंद्र। और आज भी नरेंद्र नाम किनका है? पीएम नरेंद्र मोदी का भी नाम नरेंद्र है। एक नरेंद्र और नाम आ रहा है, टीवी पर आता है रोजाना, हाँ, एक कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उनका भी नरेंद्र नाम है, ठीक है। नरेंद्र यानी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 1863 में कलकत्ता के अंदर, और ये जो आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, आप ये बैनर पर लिखा है क्रीड़ा भाटी। क्रीड़ा का मतलब जानते हैं आप? खेल। खेल को ये क्रीड़ा भारती, एक आरएसएस का नाम सुना है कि नहीं? क्या पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की 70-80 लगभग शाखा हैं, जैसे सेवा भारती, विद्यार्थी परिषद, भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है, ये भी आरएसएस की है। ऐसे ही क्रीड़ा भारती एक संस्था है, वो भी आरएसएस की है। इसके अंतर्गत बच्चों के अंदर खेलकूद वगैरह कराए जाते हैं, उनकी प्रतियोगिताएँ होती हैं। जैसे आज ये प्रतियोगिता हो रही है सूर्य नमस्कार की, सूर्य नमस्कार आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छी तरह लगाए, आपने मेरे ख्याल से 10-15 दिन के अंदर ये अभ्यास किया होगा, 5-6 दिन के अंदर, फिर भी सूर्य नमस्कार काफ़ी अच्छे तरीके से लगाए। अगर रोजाना सूर्य नमस्कार लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरह सूर्य नमस्कार लगाएंगे, और सूर्य नमस्कार से आप सभी को शारीरिक रूप से बहुत फायदेमंद है सभी के लिए। इसके अंदर 10 योग होते हैं, एक सूर्य नमस्कार के अंदर 10 योग होते हैं। 13 सूर्य नमस्कार लगा ली तो आपने 130 योग कर दिए। इससे वो मंत्र है कि नहीं, आदित्य से नमस्कार आने एक और देने तेरे। सूर्य नमस्कार लगाने से आयु बुद्धि बल और तेज, ये सभी चीज़ों की आपके शरीर के अंदर वृद्धि होती है, इसलिए सूर्य नमस्कार लगाना रोजाना बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। आज 12 जनवरी के दिन विवेकानंद जी का जन्मदिन है, उन्हीं के शुभ अवसर पर ये सब कार्यक्रम होते हैं सूर्य नमस्कार के। अपने विवेकानंद जी स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक भंडार के
अमूल्य आध्यात्मिक भंडार की महक फैलाई थी, यानी उन्होंने अपने भारतीय सनातन जो हिंदू धर्म है इसको पूरे विश्व के अंदर हिंदू धर्म क्या है इसको फैलाया था। एक बार शिकागो के अंदर, शिकागो अमेरिका के अंदर है, अमेरिका का एक शहर है शिकागो, बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर पूरे विश्व के जितने भी धार्मिक धर्म थे उनके धर्म गुरुओं को बुलाया गया था, सभा हुई थी, सबको अलग अलग विषय दे दिया गया था बोलने के लिए अपने हिंदू धर्म की। सोचा ये क्या बोलेंगे, ये विवेकानंद जी वहाँ पर गए थे तब, बहुत यानी इनकी उम्र होगी 20-25 साल, सभी ने सोचा ये क्या बोलेंगे, तो इनको धर्म को विषय दिया गया था जीरो, आपको जीरो पर बोलना है। तो विवेकानंद जी ने जब जीरो पर बोलना शुरू किया उन्होंने, तो उनको समय दिया था 10 मिनट बोलने के लिए, 10 मिनट के अलावा वो फिर ज़्यादा देर तक बोलते रहे, आधा घंटा एक घंटा तक बोलते रहे और लोग बड़ी शांति से सुनते रहे, उनकी बातों पर हर तालियां बजती रही। उनकी सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की बोलने की, भाइयों और बहनों, और किसी धर्म के गुरु ने भी ऐसा बोला नहीं कि भाइयों बहनों, इन्होंने जाके बोला भाइयों और बहनों। इसी बात से खुश होकर सभी सुनने वालों ने तालियां बजाई और जितनी देर ये बोलते रहे उतनी देर तक ये तालियां बजती रही। और इनकी विशेषता है इन्होंने पूरे भारतवर्ष को पैदल ही घूम के अपने भारतवर्ष के अंदर इतने हिंदू धर्म की प्रचार किया इन्होंने। और ये वहाँ पर जो शिकागो में जब बोल रहे थे उनके वक्तव्य को सुनकर वहाँ की मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। यानी उनकी एक बार बोल रहे थे तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई उनको सुनने के लिए, वहाँ पर उसमें से किसी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण के पीछे लोग क्यों भागते हैं। आपने कथा वगैरह सुनी होगी, भागवत सुनी होगी, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण जो कि नहीं उनके पीछे गोपियां भागती हैं, पूरा जन समुदाय उनके पीछे लग जाता है। तो एक किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया भी भगवान श्री कृष्ण के पीछे ये गोपियां क्यों भागती थी, तो उन्होंने कहा मैं इसका उत्तर कर ले दूंगा। तो दूसरे दिन फिर सभा हुई, एक बड़े से मैदान में उन्होंने सभा बुलाई, वो अपना भाषण देते रहे और बड़े तन्मय से सुनते रहे सभी। वो एकदम माइक उठा के भाग चल दिए दूसरी जगह, भागने लगे, पीछे पीछे उनके भीड़ चलने लगी। तो उन्होंने कहा कि कल के तुम्हारे प्रश्न का जवाब मेरा यही है कि जैसे आप सभी मेरे पीछे भाग रहे हैं मेरे भाषण सुनने के लिए, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के अंदर इतनी विद्वता थी, इतनी शक्ति थी कि सब उनके पीछे, गोपी गोपिकाएं सभी जन समुदाय उनके पीछे भागता था। उनका उत्तर सुन के सभी निरुत्तर हो गए, वो ऐसा उत्तर देते थे जैसे को फिर दोबारा कोई उनसे प्रश्न पूछ नहीं सके, इस तरीके से वो उत्तर अपना देते थे। और विवेकानंद जी का 4 जुलाई 1902 को बैलूर जो है नहीं राज का नाम है तमिलनाडु के अंदर है, वहाँ पर रामकृष्ण मठ के अंदर उन्होंने अपने ध्यानमग्न अवस्था में कम उम्र में, यानी 1863 से 1902 करीब 39 साल की उम्र में उन्होंने अपने ध्यानमग्न अवस्था में ही अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने भगवान का ध्यान लगाया और उसी समय उनके प्राण, उनके 1902 में जो क्या ना 4 जुलाई को प्राण उन्होंने त्याग दिए। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनमें
स्मृति में वहाँ एक मंदिर बनवाया। ऐसे विलक्षण व्यक्ति के धनी थे अपने स्वर्गीय विवेकानंद जी। और आज जब विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, एक बात और भूल गए, जब विवेकानंद जी का जन्म हुआ था उस समय मकर संक्रांति का कार्यक्रम था। उस समय 12 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जाती थी पहले, आज अभी समय 14 तारीख को मनाई जाती है, पहले 12 तारीख को मकर संक्रांति का प्रोग्राम होती थी। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्य अतिथि श्री देव प्रकाश जी गुप्ता जी का कि इन्होंने अपने उच्च विचारों को हमारे बीच में रखा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से अनुरोध करूंगा कि वह विद्यालय परिवार द्वारा धन्यवाद ज्ञापन करें। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिथिगण, प्रबंधक महोदय एवं प्रिय बच्चों, आज हमारे विद्यालय में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर सूर्य नमस्कार महोत्सव का आयोजन किया गया। आप सभी ने यहाँ आकर अपना अमूल्य समय हमें दिया और हमारे बच्चों का उत्साह वर्धन किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आशा है विद्यालय की प्रगति के लिए आप अपने अमूल्य सुझाव हमें देते रहेंगे और हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, जिससे विद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहे और हमारे बच्चों का उत्साह वर्धन होता रहे। धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए मैं सभी विद्यार्थियों और अपने मंच पर बैठे सभी मुख्य अतिथियों से अनुरोध करता हूं, कृपया वह राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगाल हिमाचल यमुना गंगा उच्चर जगति करंगा, प्रभु सदाए जागे शुभ आशीष मागे, आहे तब जय गाथा, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। अब मैं अनुरोध करता हूं सभी से, कृपया वह अपना स्थान ग्रहण करें और धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्य अतिथि और सभी मंच पर बैठे हुए सभी जनों का कि उन्होंने हम सभी विद्यालय के बच्चों के बीच आकर सूर्य नमस्कार जी और विवेकानंद जी के बारे में अपने विचार प्रकट किए। उसके लिए हम विद्यालय की तरफ से आप सभी को ढेर ढेर शुभकामनाएँ।